गाइस, आई होप यू ऑल गुड एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। वापस मैं मेरी किचन में आ गई हूँ और मैं बनाने वाली हूँ बर्गर। पता है कोई चीज़ ना मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, जैसे कि मैगी हो गया, मोमोज हो गया, बर्गर, ये सब मुझे हमेशा ही अच्छी लगती है। मुझे कभी भी खाने को मिले तो मैं मना नहीं करूँगी इसको, और इस बार तो मुझे मेरे हाथ का बर्गर खाने का मन हो रहा था, इसीलिए मैं आज बर्गर बना रही हूँ और आप सबसे शेयर भी कर रही हूँ। तो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनाने वाली हूँ मैं आज बर्गर। बर्गर बनाने से पहले हम उसकी टिक्की बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने आलू उबाल लिया है और उसमें मिर्च, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर और नमक मिला के उसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी गोली गोली टिक्की बनाएंगे और फिर इसको फ्राई कर लेंगे तवे पे। टिक्की मैंने बना ली है और हम थोड़ी सी सूजी लेंगे और टिक्की के दोनों साइड में थोड़ी थोड़ी सूजी लगा लेंगे। इसके बाद इसको सेकेंगे, इससे हमारी टिक्की थोड़ी क्रंची बनेगी और खाने में बहुत अच्छी लगेगी। अब हम तवे पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसके बाद हम अपनी टिक्कियों को सेक लेंगे। और अब बारी है पाव की कटिंग की। ऐसे सिंपली हमें बीच से पाव को काट लेना है। अगर आपको आता है तो बढ़िया है, नहीं तो आप किसी बड़े की मदद ले लेना। मैंने थोड़ा छोटा बड़ा कर दिया था क्योंकि मैं पहली बार काट रही थी, बट चलो कोई नहीं। अब हम धीरे धीरे करके अपने पाव को भी सेक लेंगे। ज़्यादा मत सेकना है वरना काला हो जाएगा, मैंने थोड़ा हो भी गया था, खाने में बुरा नहीं लग रहा था। मैंने सारे पाव अपने सेक लिए हैं और अब बारी है बर्गर बनाने की। मैं पहले वीडियो स्टार्ट करना भूल गई थी, इसलिए मैं अभी बता देती हूँ। मैंने मेयोनी और सॉस को आपस में मिक्स कर लिया है पाव के दोनों साइड पे लगाने के लिए, मतलब ऊपर के पाव पे भी और नीचे के पाव पे भी। तो दोनों साइड में अच्छे से सॉस लगा लेंगे। इसके बाद हम इसमें अपनी टिक्की रखेंगे, आलू टिक्की। इसके बाद मैंने कुछ वेजीज कट कर लिए थे, अनियन, टमाटो और कैबेज गोला गोला काटना था और उसमें रख के फिर उसको ढक दिया था। अब ऐसे ही अपने सारे बर्गर को बना लेंगे। मैंने बर्गर बना लिया है और दिखने में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, पता नहीं खाने में कैसा है, खाने के बाद ही पता चलेगा। और आपको पता है आज बर्गर बनाने में मेरा हाथ जल गया, मेरा हाथ शहीद हो गया गाइस, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, छुरी पे और जोर से हो रहा है, कोई बात नहीं। अब मैं जा रही हूँ इसको टेस्ट करने, और आपको अगर इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी हिट करना, जिससे मेरे पहले पहले वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुँचाएँ। ओके, बाय।